नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस रेमेडीज और मैं हूं तनुष्का चौहान। आज हम बात करने जा रहे हैं भिलवाड़ा आधारित कंपनी लग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड की, जो कि उच्च गुणवत्ता वाले सूती धागे का निर्माण करती है। लग्नम स्पिनटेक्स लिमिटेड ने 15 जुलाई को हुई निदेशक मंडल की बैठक में 30 जून 2021 को समाप्त वित्त वर्ष 2021-22 की प्रथम तिमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं। कंपनी ने उक्त तिमाही में गत वित्त वर्ष के समान ही शानदार वित्तीय परिणाम देने का सिलसिला जारी रखा है। कंपनी ने 30 जून 2021 को समाप्त तिमाही में गत वित्त वर्ष की समान तिमाही में अर्जित 19.64 करोड़ रुपए के मुकाबले 280% अधिक 74.71 करोड़ रुपए की कुल बिक्री अर्जित की है। वहीं उक्त तिमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष की समान तिमाही में अर्जित 7.41 करोड़ रुपए की कर पश्चात हानि के मुकाबले 6.11 करोड़ रुपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इस प्रकार कंपनी ने कर पश्चात शुद्ध लाभ में 182% की वृद्धि दर्ज की है। उक्त तिमाही में कंपनी की निर्यात बिक्री 15.29 करोड़ रुपए से बढ़कर 40.78 करोड़ रुपए हो गई है। कंपनी की कुल बिक्री में निर्यात की हिस्सेदारी करीब 55% है। कंपनी ने अपने निर्यात आधार का विस्तार किया है और वर्तमान में कंपनी पुर्तगाल, जर्मनी, बांग्लादेश, तुर्की, पेरू, बेल्जियम, नीदरलैंड, पोलैंड, अर्जेंटीना आदि देशों में प्रमुखता से निर्यात कर रही है। निर्यात में वृद्धि से उक्त तिमाही में कंपनी के परिचालन लाभ मार्जिन में सुधार आया है। उक्त तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.47 करोड़ रुपये रहा है। उक्त परिणामों को घोषित करते हुए लग्नम स्पिनटेक्स के प्रबंध निदेशक आनंद मंगल ने कहा कि अप्रैल जून के दौरान कोविड-19 की दूसरी लहर के बावजूद भी कंपनी पूरी क्षमता से अपने उत्पादन को बनाए रखने में सक्षम हुई, जिससे कंपनी के टर्नओवर और मुनाफे में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2021-22 की तिमाही हमारे कंपनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम NSE के मुख्य बोर्ड में जाने की प्रक्रिया में है। कंपनी करीब 2.0 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट भी लगा रही है, जिससे कंपनी की ऊर्जा लागत में भी बचत होगी। अब चलिए समझते हैं कि क्या कंपनी में निवेश बेहतर होगा। उक्त तिमाही में कंपनी ने 3.46 करोड़ रुपए का EPS भी हासिल किया है। बेहतर वित्तीय परिणामों के चलते कंपनी के शेयर में अच्छी खासी रिकवरी हुई है, और अगर इसी रफ्तार से कंपनी वर्तमान वित्त वर्ष में भी फायदा कमाती है तो कंपनी करीब 13 से 14 रुपए का EPS हासिल कर लेगी। ऐसे में कंपनी को 10 का PE मल्टीपल दे तो आने वाले दिनों में कंपनी का शेयर यहाँ से 100 रुपए का रिटर्न दे सकता है। वर्तमान में NSE इमर्स प्लेटफॉर्म पर कंपनी का शेयर आज तकरीबन 33 रुपए का कारोबार कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।